नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्लिप में इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमें दो क्लिप्स के बीच में कोई ट्रांजिशन को अप्लाई करना है तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, जब आपका फाइनल एडिट हो जाए और आप अपनी क्लिप में अब इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट ब्राउजर को इनेबल करना होगा। इफेक्ट ब्राउजर को इनेबल करने के लिए यहां पर आप एक आइकन देख रहे हैं, आप यहां पे इस पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं आपका इफेक्ट पैनल एक्टिवेट हो चुका है। इसे हम लोग इफेक्ट ब्राउजर भी कहते हैं। फाइनल कट प्रो एक्स में आपको बाय डिफॉल्ट कई सारे इफेक्ट्स पहले से ही मिलते हैं। अगर आप इफेक्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनवेटो मार्केट या फिर पिक्सल फिल्म स्टूडियो जैसी वेबसाइट से आप इफेक्ट्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर एक क्लिप है, इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो आप देख रहे हैं अभी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इफेक्ट पैनल से जो भी मुझे इफेक्ट चाहिए मैं उसको पहले मैं अपनी क्लिप को सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं यहां से प्रीव्यू कर सकता हूं कि वो इफेक्ट उस क्लिप में किस तरीके का आएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं आर्टिफैक्ट्स करता हूं, यहां पे आर्टिफैक्ट्स ऐड हो चुके हैं, यहां पे ऑरा ऐड हो चुका है, ये ऐश है, यहां पे बैकग्राउंड स्क्वायर है, बैट टीवी। आप देख सकते हैं आप इफेक्ट्स को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कलर बोर्ड का। कलर बोर्ड और मास्किंग के बारे में हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर में सीखेंगे, तो इफेक्ट्स को डालकर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी क्लिप में इफेक्ट को डालेंगे। इस क्लिप में अगर सपोज मुझे 50 टीवी का इफेक्ट डालना है तो मैं पहले इफेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, इसको ड्रैग करके अपने क्लिप में ड्रॉप कर दूंगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं, आप देख सकते हैं मेरा 50 टीवी का इफेक्ट मेरे क्लिप में आ चुका है। जैसे ही मैं ये क्लिप में ये इफेक्ट को डालता हूं, ये जो मेरा इंस्पेक्टर है वहां पर आप देख रहे होंगे इफेक्ट्स नाम का एक टैब ऐड हो चुका है और उसके अंदर जो मैंने इफेक्ट डाला है वो शो हो रहा है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी। तो ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये सारे कस्टमाइज हो जाते हैं। आप चाहे तो इसका अमाउंट कम कर सकते हैं और हर एक इफेक्ट का डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे 50 टीवी की जो दो मेन प्रॉपर्टी है वो है अमाउंट और ब्राइटनेस, तो आप इस इफेक्ट में 50 टीवी का अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, या फिर उसकी ब्राइटनेस को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इफेक्ट को रीसेट करना है तो यहाँ पर आप एक एरो देख रहे होंगे, आप यहाँ से इफेक्ट को रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आप एक ही क्लिप में मल्टीपल इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 50 टीवी के साथ साथ इसमें आर्टिफैक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस आर्टिफैक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और इसको अपने क्लिप में अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं, पहले आप देख रहे हैं 50 टीवी के साथ आर्टिफैक्ट्स भी मेरे क्लिप में ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप 50 टीवी के हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो अलग है और आर्टिफैक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है। तो इफेक्ट्स में हर एक इफेक्ट की जो आपकी प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। अब अगर आप किसी इफेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं या फिर उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। अगर आपको 50 टीवी को इससे डिलीट करना है, इस वाली क्लिप से इस इफेक्ट को डिलीट करना है, तो आप सिंपली 50 टीवी पे जाइए, उसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे वो डिलीट हो चुका है। अंडू करते हैं कमांड जेड से। अगर आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते और इसको सिर्फ डिसेबल ही करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से ये जो चेक मार्क है इसको आप अनचेक कर दीजिए, तो आप देखेंगे ऐसे भी आप अपने इफेक्ट्स को डिसेबल कर सकते हैं। कुछ और इफेक्ट्स को देखते हैं। अगर मुझे इसमें एस्ट पेपर का डालना है अपने दूसरे क्लिप में तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से इसको
यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको प्ले करते हैं, आप देख सकते हैं एच्ड पेपर का इफेक्ट आ चुका है। ऐसे ही अगर इसमें मैं कैमकॉर्डर इफेक्ट को डालना चाहता हूँ तो मैं कैमकॉर्डर को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा कैमकॉर्डर का भी इफेक्ट इसमें ऐड हो चुका है। और ये कस्टमाइज का है, सारे इफेक्ट्स कस्टमाइज हैं, आप देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर से ये रिकॉर्डिंग को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर से जाऊँगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि दूसरी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से इसका टेक्स्ट है, मैं इसका टेक्स्ट एक्स वाई जेड चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर से मैं साइज चेंज कर सकता हूँ, अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, स्कैन लाइंस को चेंज कर सकता हूँ, बैटरी लेवल भी कम या ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैटरी लेवल भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये इफ़ेक्ट्स कस्टमाइजेबल है, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बाई डिफ़ॉल्ट भी हैं और मैंने काफ़ी सारे परचेज भी किए हुए हैं। मैं फिर से बताऊँगा, एनवेटो एलिमेंट या फिर पिक्सल फिल्म स्टूडियो से आप इन इफ़ेक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। आप चाहे तो एक साथ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसमें कैमकॉर्डर के साथ फ़न हाउस भी डालना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है फ़न हाउस का, इसको भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे इसमें इमेज इंडिरेक्ट डालना है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, इंसेक्ट आई भी डाल सकता हूँ। आप कितने भी इफेक्ट एक क्लिप में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हमें दो क्लिप्स के बीच में कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। यहां पर मेरी दो क्लिप है, इनको प्ले करके देखते हैं, थोड़ा आगे से प्ले करते हैं। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजिशन को अप्लाई करना है तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप एक ट्रांजिशन का आइकन देख रहे हैं, आप इसको इनेबल कीजिए। आप देख सकते हैं शो और हाइड द ट्रांजिशन ब्राउजर है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे बाई डिफॉल्ट आपके पास कई तरीके के ट्रांजिशंस हैं। इन ट्रांजिशंस को भी आप परचेस कर सकते हैं एनवेटो एलिमेंट या फिर आप एक तरफ फिल्म स्टूडियो से इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें क्रॉस रिजॉल्व को डालना चाहता हूं, और ये ट्रांजिशन क्या करते हैं, ये आपके दो क्लिप के बीच में जो कट है उसको स्मूथ करते हैं। अगर कहीं पे कट अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप इसमें क्रॉस रिजॉल्व डालेंगे तो वो काफी स्मूथ चलेगा। तो देखते हैं, पहले अगर हम इसको यहां से फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं, आप देख रहे हैं एकदम से कट हुआ है। अगर मैं यहीं पर इसको क्रॉस रिजॉल्व यहां पर डालता हूं, आप देखेंगे एक यहाँ पे विंडो खुला है जिसमें लिखा है देयर इज नॉट इनफ एक्स्ट्रा मीडिया बियॉन्ड क्लिप एडजस्ट टू क्रिएट द ट्रांजिशन। दोस्तों, ये तब होता है जब आपके पहली वाली क्लिप के एंड में और स्टार्टिंग वाले क्लिप के स्टार्टिंग में इतना स्पेस नहीं होता कि एक ट्रांजिशन को वो क्रिएट कर सके। अगर आप यहाँ पर क्रिएट ट्रांजिशन करेंगे तो क्या होगा, आपकी क्लिप कट जाएगी। तो इसको कैंसिल करते हैं और थोड़ा हम अपनी क्लिप को यहाँ पर ड्रैग करते हैं और इसको यहाँ पर से यहाँ ट्रैक करते हैं, और अब अगर हम अपनी ट्रांजिशन डालेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है जब आप शूट करें तो आप एटलीस्ट 3 सेकेंड प्री रोल और पोस्ट रोल जरूर दें, उससे आपका ट्रांजिशन फिट बैठेगा। तो यहाँ पे प्ले करके देखते हैं आप कि कैसा लगता है। आप देख सकते हैं जो कट पहले काफी वैसा सा दिख रहा था अब वो काफी स्मूथ हो चुका है। फिर से करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो चुका है हमारा क्लिप के बीच में। अब अगर मुझे कोई दूसरी ट्रांजिशन डालनी है, सपोज मुझे 3D ओपन डालना है, तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूं या तो मैं यहां पर ही ड्रॉप कर दूंगा। इसको प्ले करके देखते हैं, और अगर मुझे इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी सारी ट्रांजिशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई ट्रांजिशन डालते हैं, आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर में ट्रांजिशन का आपको यहां पे एक आइकन दिख रहा होगा। तो क्या होता है, ट्रांजिशन भी
आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप मिड पॉइंट चेंज कर सकते हैं, और हर एक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। तो होल्ड चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पहले ब्लैक हो रहा था, अब रेड हो जाएगा, तो ये भी कस्टमाइजेबल है, तो आप ट्रांजिशंस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पर ट्रांजिशंस मिल जाएंगी। अगर मैं मल्टी इफेक्ट चाहता हूँ, यहाँ पर भी सेम वही दिक्कत है कि मेरे पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में जगह नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लेड से कट कर दूंगा या फिर ड्रैग करके कट करूंगा और यहाँ पर ट्रांजिशंस को अप्लाई कर दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन क्लिक इमेज वेल टू सेलेक्ट सोर्स क्लिप। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पर आपको कोई ट्रांजिशन में क्लिप को वो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और कुछ भी क्लिप को सेलेक्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सोर्स क्लिप में आ चुकी है और इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके बारे में हम लोग टाइटल और जनरेटर में और अच्छे से जानेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर ट्रांजिशन में आपके पास यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं और फिर अप्लाई कर दीजिए आप। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ट्रांजिशन आएगा। तो ये सारी चीजें आप फाइनल कट प्रो एक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस को हम लोग अपने क्लिप में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।